हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा संजय वर्मा से। उनकी कहानी आपने मेरे चैनल पर सुनी होगी, वीडियोस देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप सुन लें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होगी आपके लिए, और आज संजय वर्मा से जो बातें हम करेंगे वो बातें आपको हो सकता है लाइफ में कहीं ना कहीं आपको किसी चीज में हेल्प करें, आपको कैसे सक्सेस पानी है उन चीजों में काफी हेल्पफुल होंगी। हम फनी चीजें देखने में, मूवीज देखने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो 10-15-20 मिनट हम इन चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो, बातें करते हैं संजय वर्मा से। हेलो संजय। संजय, आपका वेलकम है बहुत बहुत तलाश जिंदगी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल के माध्यम से मुझे आपके श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जी, थैंक यू। संजय, शुरू करें हम कुछ सवाल, उससे पहले आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपनी अब तक की जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में बता दें। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम संजय वर्मा है। मेरा जन्म और शुरुआती पढ़ाई भरतपुर जिले के सीकरी गाँव में हुई, जो की राजस्थान में स्थित है। और उसके बाद मैंने बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया, और उसके बाद 2012 से ही मैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में बतौर इंजीनियर में काम कर रहा हूँ। जी संजय, संजय पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अपनी लाइफ में इतने सारे संघर्ष किए हैं, तो उन संघर्ष में कैसे आप उन चीजों से ओवरकम करते थे? परेशानी आती है तो कैसे उनसे आप झेलते थे, कैसे उनको दूर करते थे? देखिए, मन में अगर एक दृढ़ निश्चय हो कि कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, बस उससे एक लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, आप डेफिनेटली उसको ओवरकम कर सकते हैं। अभी मेरी लाइफ को ही आप लेकर के करें, जिस पे आपने वीडियोस भी बनाई हैं जो आपके चैनल पे हैं, तो उसमें भी एक मोटिव था, एक उद्देश्य था कि लाइफ में कुछ करना है मजदूरी के अलावा। संजय, जनरली हम ये देखते हैं कि हर इंसान किसी न किसी पर्सनैलिटी को फॉलो करता है, कि हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, तो आपकी लाइफ में आपके रोल मॉडल कौन रहे, किसे आप फॉलो करते थे? बिल्कुल सही कहा आपने, हर इंसान किसी न किसी को फॉलो करता है और जिनसे वो इंस्पायर होता है। ऐसे ही मेरे घर में मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के तौर पर मैंने उनको पिता की जिम्मेदारी, पापा जी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए देखा है। जिस समय हम लोग कह सकते हैं बुरे वक्त से गुजर रहे थे, तो उनको परिवार के लिए कुछ करना है, एक वो फीलिंग, और दिन भर पढ़ते रहना कि परिवार को इन कठिनाइयों से निकालना है और अपने छोटे भाई बहनों का एक भविष्य अच्छा करना है, इस फीलिंग के साथ उनको मेहनत करते हुए देखा तो मुझे काफी प्रेरणा मिली कि मुझे भी इन्हीं के तर्ज पे कुछ न कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल मेरा भाई और मेरा परिवार ही है। जी संजय, संजय हर इंसान को जब पहली बार अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो कैसा महसूस हुआ था, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं और अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि किस तरह का महसूस होता है जब आपको सुनने को मिलता है कि आपकी जॉब लगी है। देखिए, जॉब लगने से पहले मन में कुछ ना कुछ चिंताएं होती हैं, कुछ ऐसा सोच होता है जिससे हम घिरे हुए होते हैं। एक्चुअली एक बर्डन होता है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको सबका ख्याल रखना है, ऑब्वियसली उसके लिए हमें जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल ऑफ सडन व्हेन यू गेट अ जॉब, आपको जो एक बर्डन है वो रिलीव हो जाता है, और ऑब्वियसली सब जगह आपको रेस्पेक्ट मिलने लगती है। अभी मैं एग्जाम्पल लूँ कि मेरा जब प्राइवेट कंपनी में अपनी कॉलेज कैंपस से जब सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने वातावरण को अपने चारों तरफ बदलते हुए देखा, मुझे रेस्पेक्ट मिली, मुझे प्यार मिला, और अपने आप में भी मुझे काफी खुशी हुई कि मैं अब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ अपने के लिए। जी संजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब हमें कुछ अचीव होता है उससे पहले हमारे लिए लोगों की सोच कुछ और होती है, जब हम कुछ अच्छा बन जाते हैं लाइफ में तो उसके बाद हमारे लिए सोच बदल जाती है लोगों की। समाज का आपके प्रति जो नजरिया है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है। शायद आपको जब तक आप गरीब थे, बेशक आपकी नॉलेज लेवल उतना ही हो, बेशक आप उतने ही सक्षम हो, लेकिन जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं वो डेफिनेटली आपको नहीं मिल पाती। तो एक फाइनेंशियली स्टेबल होने से, ये जॉब से, इन सब में फायदा होता है कि सामाजिक स्तर पर आपको सम्मान मिलने लगता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी एक वैल्यू बदल जाती है जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं। संजय ये बताएं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग होते हैं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या वजह होती होगी उनके पढ़ाई के तरीके में, या क्या हो सकता है कि वो, कुछ तरीका आप अगर सजेस्ट करना चाहें कि कैसे वो पढ़ सकते हैं? देखिए, मैं इंजीनियरिंग लाइफ से जुड़ा हूँ, और कॉलेज में मैंने भी ये काफी महसूस किया है
कि स्टूडेंट उस समय क्या करते थे, फुल सेमेस्टर वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, और जब एग्जाम का टाइम होता था तो मैं उनको एक महीने में या दो महीने पहले बुक्स उठाते हुए देखता और उनको इस तरह से जूझते हुए देखता कि नहीं अच्छा एग्जाम क्लियर करना है, पर वो उस समय नॉलेज गेन करने की बजाय एक रट्टा मारने लग जाते, अल्टीमेटली उनको कॉम्पिटिशन फेस करना है तो कॉम्पिटिशन में उस चीज से उनको मदद नहीं मिलती, तो एक रीजन ये भी होता था। कॉलेज के बाद की अगर हम बात करें तो मैं किसी एक फील्ड के लिए मैंने एक लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया कि मुझे ये बनना है, अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अट्रैक्शन होते हैं, नहीं दिस फील्ड इज नॉट गुड, ये फील्ड ज्यादा अच्छा है, तो मैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड, दूसरे फील्ड से तीसरे फील्ड, इन सब मैं मूव करता हूँ, ना कि किसी एक फील्ड को चुन करके और उसके पीछे मैं तब तक लगा रहा हूँ जब तक कि वो मुझे मिले ना, एक रीजन ये भी है। तो मुझे लगता है कि आप एक बार ठान लें जो आपको करना है और उससे आप तब तक लगे रहें जब तक आपको वो हासिल नहीं हो जाता। बिल्कुल, इसी वजह से लोग परेशान होते हैं, बार बार अपनी फील्ड चेंज करते हैं तो शायद उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। जैसे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो बार बार चेंज करते हैं, तो जब तक वो समझ पाते हैं पहली तैयारी को, उसके बाद वो चेंज करते थे दूसरी तैयारी में लग जाते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए कुछ लोगों को मैंने महसूस किया है कि आपका कोई पर्टिकुलर वैकेंसी निकला, वैकेंसी में अप्लाई करने के बाद ही लोग कुछ लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि ठीक है अभी वैकेंसी निकला है अभी मुझे पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपना निर्धारित कर लिया अलग से, अब वैकेंसी कब निकलेगी, एक साल बाद, दो साल बाद, उसके बारे में आप मत सोचिए, आप सिर्फ उस टारगेट के बारे में सोचिए जो आपको अचीव करना है और उसको कैसे अचीव करना है उसके बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि अभी क्या वैकेंसी निकलने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप सब कुछ कवर करके और एक कॉम्पिटिशन फाइट कर लें, तो ये भी एक रीजन रहता है। जी संजय, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। संजय, जब आपको कोई इंसान सुनता है और आपसे कोई इम्प्रेस होता है या फिर आपसे कोई इंस्पायर होता है तो वो व्यक्ति आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा जानना चाहता है, जैसे संजय किस तरह का इंसान है, क्या हॉबीज है उसकी, कैसी उसकी नेचर है, उन सब के बारे में थोड़ा सा बताएं संजय। देखिए मुझे लगता है कि एक गरीब परिवार में जन्म होने की वजह से जो बाकी सारे हॉबीज वो सब मैं फॉलो नहीं कर पाया, तो इन सब की वजह से एक वो मेरा जो पहलू है वो दबा रही है। मुझे कॉलेज टाइम में कुछ अवसर मिला कि अपने लिए, अपनी हॉबीज के लिए कुछ करूं, तो मेरी हॉबीज बेसिकली एक्टिंग और सिंगिंग थी, और कॉलेज स्तर पे भी हम लोगों ने आपके साथ टीम बना करके हम लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया, म्यूजिकल एक्ट किए, स्किट किए और सिंगिंग प्रोग्राम्स में भाग लिया और हम लोगों ने प्राइजेस भी जीते, तो ये सब मेरी हॉबीज रही थी। आपकी नेचर किस तरह की है संजय? मुझे ज्यादा सीरियस रहना वो सब ज्यादा पसंद नहीं है, मैं एक मजाकिया तौर पे चीजों को ज्यादा पेश करता हूँ, तो कह सकते हैं कि आप इस तरह का मेरा व्यवहार है और आप भी इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि आपने मेरे साथ कॉलेज लाइफ और उसके आफ्टर लाइफ भी आपने मेरे साथ। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, जो आपसे इंस्पायर है वो लोग सुनना चाहें, उनको पता चले संजय किस तरह का व्यक्ति है। जी संजय, अंत में मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, जब लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो जब जॉब लग जाएंगे उसके बाद उनकी लाइफ कैसी होगी उसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आप वो लाइफ जी रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दें, महसूस करवाएं कि कैसा बदलाव आता है आपकी लाइफ में जब आप जॉब नहीं लगे थे और जॉब लगने के बाद जब आप पैसा कमाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, कैसा आपको महसूस होता है, वो सब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए हमने अभी जस्ट डिस्कस भी किया था कि जॉब लगने से हम फाइनेंशियली स्टेबल तो हो ही जाते हैं, और जॉब लगने से पहले जो हमारा स्टेटस होता है मेयरली एक स्टूडेंट होता है, और जिससे लोग कुछ लोग भरोसा करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, जो लोग भरोसा करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जॉब लगने के बाद आप अपने आप को जब साबित कर देते हो, एक मुकाम तक पहुंच जाते हो, तो मुझे लगता है कि समाज में जो आपको एक रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिलने लगती है। फाइनेंशियली स्टेबल होने की वजह से आप अपना ख्याल रख सकते हो, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो, अपने यार दोस्तों जिसका भी आप जो आपके मन में है, जो आप करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हो। अभी मैं अपनी लाइफ को अगर लेके चलूं, मेरी बिफोर जॉब लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी और कंस्ट्रेंट थे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन आफ्टर जॉब मैं अभी जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैंने अपना घर बनाया है और अच्छे से सेटल्ड हूँ मैं मुंबई में अभी, तो एक डेफिनेटली आप अगर आगे बढ़ते हो तो बहुत चीजों में आगे बढ़ते हो। जी संजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को ये बातें पसंद आई होंगी, उन्हें भी कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा कैसे लाइफ में सक्सेस होना है, कैसे कुछ अचीव करना है।
आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यंगस्टर्स को काफी मोटिवेशन मिला हमारी बातों से। थैंक यू प्रदीप, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़कर। थैंक यू वेरी मच संजय। तो दोस्तों ये थे संजय वर्मा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें जो आज की रही हैं वो पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, काफ़ी इंस्पायरिंग भी रही होंगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा इनसे। अब मेरा मोटिव यही है इन बातों से कि आपको इनसे इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, वो एक प्रेरणा आपको इन वीडियो से, इन बातों से मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ। देखते रहिए तलाश जिंदगी।